हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अर्चना मेकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू दम। ये हमारे बिहार में बनता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे बनता है। हम देखिए आलू 6 से 7 लिए हैं और हम उबलने के लिए दे दिए हैं कुकर में। वो मैं आपको छील के उसके बाद बताती हूँ। मैं वीडियो चालू करने से पहले उबलने के लिए चढ़ा दी थी। और अब हम मसाला का दिखाते हैं आपको। 2 तेज़पत्ता, 6 से 7 मिर्ची, लहसुन 10 से 15 कली, अखा धनिया लिए हैं, काली मिर्च, जीरा, और ये देखिए सबसे मेन है हमारा दालचीनी, और 2 लौंग है। इसको हमें पीसना है, मिक्सर में डाल के हम पीसेंगे अभी। और ये देखिए, ये हम लिए हैं थोड़ा सा धनिया पत्ता, सॉरी अच्छा धनिया, कड़ी पत्ता और 1 प्याज अभी कटनी किए हैं। ये सब हम मतलब फ़ौरन डालेंगे, उसमें थोड़ा सा राई भी डालेंगे। तो हम अभी इसको पीस लेते हैं पहले, उसके बाद आगे का हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा आलू उबल गया है, तो इसको हम अभी छील लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हम आलू छील के तैयार कर लिए हैं और इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं। अगर छोटा आलू है तो 2 टुकड़ा और बड़ा है तो 4 टुकड़ा, ऐसा हम काटे हैं, क्योंकि आलू दम का मतलब ये है, उसमें बड़ा बड़ा टुकड़ा चाहिए। और ये हम आपको बताए थे, इसको फ़ौरन डालना है प्याज और ये, और ये हम बाद में डालेंगे जब हम ग्रेवी डालेंगे, उसके बाद हम ये डालेंगे धनिया और टमाटर। तो हम अब गैस ऑन कर लेते हैं और गर्म होने देते हैं इसको। तो ये देखिए मेरा गैस चालू था, मैंने गर्म होने दी थी, कढ़ाई गर्म हो चुका है और हम राई का तेल डाल रहे हैं। ये देखिए कौन सा तेल है, तेज, ये बहुत अच्छा तेल होता है, हम यही तेल डालते हैं, राई का ही तेल खाते हैं हम। हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम राई डाल रहे हैं। उसके बाद कड़ी पत्ता और उसके बाद धनिया जो हम थोड़ा सा रखे थे अखा वो वाली। और 1 प्याज हम काट के रखे थे। इसको हल्का सुनहरा लाल होने देते हैं प्याज को। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला, हम आपको दिखाए थे सूखा मसाला, वो हम पीस के रखे थे। और इसमें अब डालेंगे हम नमक हल्दी। और हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हमें ग्रेवी भी रखना है और आलू भी है, तो उसके हिसाब से हम नमक डाल देंगे। हल्दी पाउडर,
थोड़ा सा हम डाल रहे हैं मिर्ची पाउडर कलराने के लिए, मिर्ची में हम डाले हैं पहले ही। हमारा धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था जो हम घर में बनाते हैं, तो हम पैकेट लेके आए थे, तो हम वो डाल देंगे। और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। इसको आप भून लेते हैं 5 मिनट। अब हम इसमें टमाटर डालते हैं, क्योंकि आलू पका हुआ है, हमें पकाने का जरूरत नहीं है, तो हम टमाटर डाल के थोड़ा पका लेते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डालते हैं और थोड़ा बाद में डालेंगे जब पक जाए उसके बाद। ये देखिए पक चुका है टमाटर। अब हम इसमें आलू डाल के फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी से हमें। इसको 5 मिनट तक हम फ्राई करते हैं आलू को मसाला में, ताकि मसाला इसमें थोड़ा घुल जाए। उसके बाद हम ग्रेवी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा भून के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालते हैं। हम ग्रेवी के लिए डाल दिए हैं और अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता। और इसको हम उबाल आने के बाद तक, मतलब उबाल आ जाए उसके 5 मिनट बाद तक हम पकाएंगे। लगभग मिला के 7 से 8 मिनट इसको हम ढक देते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा आलू दम बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए, आप भी बनाइए और कमेंट्स में कीजिए कैसा बना है। ये चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी भी बना है। देखिए, मुझे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। ये देखिए, आप भी बनाइए और खा के बताइए कि कैसा बना है। थैंक यू वेरी मच।